चीमा साहब, सबसे पहले तो धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये मुझे ना एक समझ नहीं, अलाई का मतलब क्या होता। हम तो उनके अलाई कहीं है नहीं। कौन से हम जंग पे चल रहे जो उनके साथ हमारे जहाज उड़ रहे हैं उनके अलाई हो गए। हम उनके पार्टनर है, पार्टनर वो भी फॉर अ पर्टिकुलर मिशन और अ कॉज। अलाई तो वो होता है ना पट्टा, जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं पट्टा। भाई साहब, हमारी पॉलिसी तो इंडिपेंडेंट है, हम तो जिंदगी में किसी के पट्टे नहीं बने। ये बाइडन साहब को पता नहीं कहाँ से खाब आ रहे। उम्र उम्र शायद ज्यादा हो गई। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता, उम्र का तकाजा है, कोई बात नहीं। तो पहली बार तो ये क्लैरिफाई कर दूं, वी आर पार्टनर्स। पार्टनर ऐसे होता है, अलाई ऐसे होता है, मतलब हिंदी में उर्दू में उसे चमचा कहते हैं। तो वो वाली बात नहीं, वो ना उस चीज से निकल जाए। दूसरी बात, इंडिया की जो पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है सीमा सर। फॉरेन पॉलिसी इज इंडिपेंडेंट, नोबडी कैन डिक्टेट टर्म्स। तो जो हमारा अपने फॉरेन पॉलिसी में अच्छा लगेगा वो हम कर रहे हैं, वो हम करेंगे। रशिया से तेल भी ले रहे, दुनिया को बता के ले रहे, खुले में ले रहे। कोई थोड़ी ना कि बैरलों में तेल आ रहा हो और श्रीलंका के पोर्ट से उठा के ला रहे, ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात, अब ये जो शेकी का वर्ड है, अब शेकी तो इज अ स्टेट ऑफ माइंड ना। या तो बोले दे आर नॉट विद अस, वी आर नॉट विद अस। हमने जो एक बीच की लाइन ली, हमने बोला वी वॉन्ट सीज फायर। आज भी जो बाइडेन साहब सीज फायर की बात नहीं कर रहे। अगर आप यूक्रेन की हालत देखिए, आपको ये रोको 10-15 दिन पहले आपके चैनल में हमने बात किया था, ये ज़ेलेंस्की जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, कोकेन एडिक्ट है, ये अपनी कंट्री पॉलिटिकल पप्पा जो है, ये अपनी कंट्री को सीरिया अफगानिस्तान बनाने में क्यों लगा। आजकल कितना फर्क लग रहा है आपको सीरिया और यूक्रेन में? बहुत ज्यादा नहीं है। और आपने मुझसे या किसी और ने पूछा था, भाई अगर ये लड़ाई ऐसी चलेगी क्या होगा? मैंने कहा लोग ज्यादा मरेंगे, ज्यादा नुकसान होगा। अगर रशिया को लड़ाई जल्दी खत्म करनी तो बहुत ज्यादा लोग मरेंगे। फिर तो जितनी ये लड़ाई लंबी चलेगी उतना नुकसान होना, जानो माल का नुकसान होना। माल का ज्यादा होता है, जान का कम होता है। तो ये एक नेचुरल सी बात है। तो अब ये ज़ेलेंस्की साहब कल कह रहे हैं कि भाई देखो जी, मेरा पोल में तो कुछ बचा ही नहीं। उस शहर में 3 लाख लोग फंसे हैं, यहाँ लाख लोग फंसे हैं, यहाँ फूड क्राइसिस है, यहाँ फेमिन है। आज तो यूक्रेन का एक मिनिस्टर ये भी कह रहा है देखो जी, अगर इन न्यूक्लियर रिएक्टरों को कुछ हो गया तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब का काम करेंगे। ये तो हम आप 15 दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार, खुदा के बंदे तू ये एक बार बता यार, हम हजारों किलोमीटर दूर बात ये बात समझ रहे हैं, तुझे वहां बैठ के बात समझ नहीं आ रही। अब कह रहे हो रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल यूज किया, हम कह रहे थे यूज करेगा, आपको नहीं पता। व्हेन यू आर नो मैच टू रशिया, देन व्हाई आर यू पिकिंग अप दिस वॉर विद रशिया? और जिस नेटो के चक्कर में आप कर रहे हैं चीमा साहब, नेटो को आज, नेटो ने आज तक किसको बचाया? आज तो नेटो का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज गेटिंग चैलेंज। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब तो ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं भाई देखो, हम नेटो के साथ बातचीत करने को तैयार है, रशिया के साथ, कि हम नेटो में नहीं जाएंगे। भाई पहले कर लेते, इतनी तबाही तो नहीं होती। वैसे यह तो आप समझ गए नेटो नहीं बचाएगा। अब देखिए, ये शेकी वेकी जो है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, या आप ये इससे एडजेक्टिव, ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म इज यस और नो, शेकी गुड बेटर। अब वही वाली बात है, हिंदी में कहने जी मजा नहीं आया, और मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई मसाज बेच रहे जन मजा नहीं आया। तो ये शेकी वोकी तो ठीक है, अमेरिकन टर्मोलॉजी है, पर इट इज नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट टर्म। वट एवर ही टेक्स शेकी इज हिज परसेप्शन, उनके परसेप्शन में कुछ भी हो सकता है। आप परसेप्शन का मैं क्या करूं, या तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में फॉर्म स्टेटमेंट है, जो ग्रे का स्टेटमेंट है वो भी एडजेक्टिव, तो उससे तो कुछ वैसे समझ नहीं आता। ये हमारा कहना है जी अमेरिकन को लेके। बाकी देखिए, हम वहीं खड़े हैं, हमारा स्ट्रेटजी नहीं बदली। आज भी हम कह रहे चीमा साहब सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। वो लगे पुतिन को विलन बनाने में काम। और एक और चीज आपको मैं बताऊं, मजे की बात, अभी लास्ट 15 दिन पहले उन्होंने हमारी बहन जी कमला हैरिस जी को भेजा था हंगरी, पोलैंड और शायद रोमानिया गई थी। तो वहां के 3 प्रधानमंत्री जी आए थे ज़ेलेंस्की से मिले, बड़ी फोटो वोटो छपी थी जी, किसी बंकर शंकर में कॉफी वॉफी चल रही। चलिए अच्छी बात है, नेस्कैफे की कॉफी पीना चाहिए, ग्रीक कॉफी भी अच्छी होती है, टर्किश कॉफी भी अच्छी होती है, मुझे तो सारी पसंद है सच बोलूं आपको। पर उसके बाद हुआ क्या, वो निकल लिए, कहता तू टेंशन ना ले, हम तेरे पीछे खड़े हैं। अब हुआ क्या, कोई तो आ नहीं रहा उसकी मदद के, कोई उसको हथियार दे नहीं रहा, कोई उसका साथ दे नहीं रहा। अब देखिए चीमा साहब, डिप्लोमेसी में अगर बंदूक चलाने की जरूरत अवॉइड हो और जबान चल के काम हो जाए, इसे साउंड डिप्लोमेसी कहते हैं। तो बाइडेन साहब और ये सारे तो साउंड डिप्लोमेसी कर रहे हैं ना, बंदूक नहीं चला रहे, जबान चला लेते, एक आध बाइट इधर उधर दे देते, हम लोग आप लोग डिबेट कर देते हैं, दुनिया को लगता हाँ ये भी जिंदा है, ये काम चल रहा है, कार्रवाई चल रही। हो क्या रहा है, आर यू हेल्पिंग यूक्रेन ऑन द ग्राउंड? नेटो ने तो वैसे कह दिया मेरी लड़ाई नहीं है ब्रिटिशर्स ने, बाइडेन साहब ने कह दिया वी विल नॉट पुट बूट्स ऑन ग्राउंड, पोलैंड कह रहा है मेरे यहाँ हथियार उतर नहीं दूंगा, हंगरी कहता कोई मदद मेरे यहाँ से जाएगी नहीं, रोमानिया कहता भाई मैंने तो इसमें पढ़ना ही नहीं। तो अब सबकी इक्वेशन देखिए, अब शेकी कौन है सर?
लेकिन समझ भाई एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आके भैया, ग्रेट ब्रिटेन की भी सुन लें, जी भाई जी जिन्होंने बताए। आपके ऊपर और हमारे ऊपर बड़ी हुकूमत की है, वो कह रहे हैं इंडिया ने बड़ा मायूस किया। तो हाँ हाँ बिल्कुल बड़े बिल्कुल दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता उसकी एक्चुअल क्या होता है। क्वाड में से ऑकस निकलना, ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके, एक पैरेलल अलायंस बनना जो कि बेसिकली इसकी नेचर मिलिट्री होगी इन केस देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन इंडो पैसिफिक। इधर आप खामोश रहे, आपने क्वाड को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो वहां चले गए। मुझे ये बताएं, यूके ने भी आपको कहा है कि आप इंडिया ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, तो आपने शुरू में कहा हम कोई पट्ठे हैं उनके, अलाए हैं कोई उनके, भाई हम क्यों जो मर्जी है। क्या इंडिया, जो मैंने पहले सवाल में कहा, इंडिया अपनी स्ट्रेंथ समझ चुका है या कि इंडिया वो अपने आप को नॉन अलाइंड रख के समझता है कि अभी मौका नहीं है कि किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जाने का या किसी लड़ाई को लड़ने का। देखिए चीमा साहब, दो तीन इसके आंसर है। पहला आंसर ये है कि अभी दुनिया में सब जबानी तो चला रहे साहब, बंदूक कौन चला रहा? बंदूक या तो रशियन चला रहा है, यूक्रेनी चला रहा, बाकी सब जबान चला रहे। हकीकत जिंदगी ये है, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, सब जबान चला रहे, कोई ये बाइट दे रहा है। अब मीडिया की दुनिया में तो कहते हैं बाइट देने का, बाइट चला देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर डिप्लोमेसी में बंदूक चलाने की बजाय जबान चलाने से काम हो जाए वो साउंड डिप्लोमेसी कहलाई जाती है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। साउंड डिप्लोमेसी हर एक को करनी चाहिए, मतलब इसलिए बयान बयान कोई दिल पे नहीं लेने चाहिए, बयान बयान देते। तीसरी बात, आप बोरिस जॉनसन कहते हैं हम डिसअपॉइंटेड है, आपको याद होगा यही बोरिस जॉनसन साहब पीछे जब फ्रांस और जर्मनी बात कर रहे थे पुतिन से, जब ये न्यूक्लियर वाला मसला खड़ा हुआ, यार ये जो वहाँ 15 न्यूक्लियर रिएक्टर है, अगर इनमें कुछ हो गया यूक्रेन तो गए, रशिया में भी तबाही मचेगी। कल भी मैक्रॉन साहब ने 1 घंटा पुतिन से बात की, बोरिस जॉनसन ने बात नहीं की। अब वो क्या कह रहे हैं, उन्हें लग रहा है रेडिएशन तो यूके तो बहुत दूर है, ये रेडिएशन आने में टाइम लगेगा, यहाँ तक आएगी नहीं, हम तो सेफ है। ये फ्रांस जाने जर्मनी जाने तो दोनों ही बात कर रहे हैं पुतिन से, जब तक ये न्यूक्लियर वाला मसला नहीं हुआ था। जब मैंने, अब मुझे भाई साहब, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू यू नो गिव क्रेडिट टू मी, बट वॉट इफ आई कैन सी 15 डेज बैक, तो इनको 15 दिन बाद वही चीज क्यों समझ आती है? तो ग्राउंड पे नहीं तो मेरे से ज्यादा पता होना चाहिए यार। तेरे बिजनेस की तरह अपने बिजनेस को इंडिया भर में कैसे बढ़ाऊं? मीशो से पूरा इंडिया है यहाँ, तुम मीशो पे तो मीशो पे आइए, इंडिया भर में छा जाइए। इंडियाज मोस्ट डाउनलोडेड शॉपिंग ऐप पे करोड़ों को सामान बेचिए, वो भी 0% कमीशन के साथ। नया फिटमी फाउंडेशन 18 शेड्स हर एक इंडियन स्किन टोन के लिए, अब SPF 22 के साथ जुड़े एक नेचुरल मैट फिनिश, ओनली फ्रॉम मेबलिन न्यूयॉर्क। मैंने आपको बोला कि जैसे ही न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आएगा सब बात करने लगेंगे पुतिन से, सबने बात करनी शुरू की पुतिन से। कल भी मैक्रॉन साहब ने पुतिन से बात की, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लड़ाई रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अब बोरिस जॉनसन साहब ने फिर वो इंग्लिश बोल दी, जी आई एम डिसअपॉइंटेड। अब सर देखिए, हम मिठाई तो बेचते नहीं, ना हम कैवियार बेचते हैं, ना हम बिरयानी बेचते हैं, ना हम खीर बेचते हैं, जो खाके तनु मजा आंदा। तो बोला आई एम वेरी प्लीज्ड एंड हैप्पी। We will look at our interest, sir. Our interest, we have a strategic interest, we have independent foreign policy. You go and do your policy. Bhai, tenu itni disappointment ho rahi hai, paaji. Tusi apne bande bhejo ladne ke liye. Bhai, disappointment bolne se Cheema saab hoga kya? Disappointment ho rahi to kuch kaam karo na. Chalo, aap humse disappointed ho. Ab is management mein concept hota hai, making an external enemy, externalizing the problem. Wo wahi wali baat ho gayi. Agar kal ko aapki military bol de, wo jo India ka missile aaya tha, वो अफगानिस्तान में जो रडार स्टेशन है वो चला नहीं, गलती अफगानियों की, वहां पावर कट गई थी इसलिए रडार मिसाइल डिटेक्ट नहीं हुई। ओ भाई तुम क्या कर रहे थे भाई साहब? अगर आप डिसअपॉइंटेड हो, अगर आपको तकलीफ हो, तो अपने बंदे भेजो, अपनी मिलिट्री भेजो, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजो, यूक्रेनियों की मदद करो। इंडिया से डिसअपॉइंट होकर क्या करना? आपने कौन सा खंबा खोद दिया? पहले तो ये बताओ आपने कौन सा खंबा खोद दिया, उसके बाद हमसे डिसअपॉइंट या पॉइंट होना। वैसे भी चीमा साहब, फॉरेन पॉलिसी में नोबडी इज अ मसाज पार्लर, nobody says massage, right? So we will look at our interest, our strategic interest, and they will look at their. If you are happy, well and good. If you are disappointed, that is a state of mind which you have to live with and bear with it. I'm sorry for your disappointment, but beyond that, I cannot risk the interest of my 1.3 billion people. मेरे 1.3 billion के interest सबसे पहले। अब नियाजी साहब ने एक stand लिया, आपके ठीक है, लिया जो उनको ठीक लगा। Prime Minister है, elected Prime Minister है, जब तक है 28 तारीख तक, तो उन्होंने स्टैंड लिया, अच्छी बात है। अब 29 को देखते क्या होता है। भाई साहब, एवरीबडी हैज अ राइट, शीमा साहब, टू
think for the betterment of his people. How am I concerned about you? And what are your tangible steps on the ground? आपने कौन से ऐसे tangible step डाल दिए? हमने 46 टन का medical relief Ukraine में भेजा है, जो हमारे जहाज यहाँ से जाते थे 46 टन of medical and essential commodities relief, जो दुनिया में सबसे highest हमने भेजा। हमने हथियार नहीं भेजा चीमा साहब, हमने दवाई